सिक्सटीज के देंगे दौर का ऐसे कुछ। चार्म, हार्ट वार्मिंग फ्रेंडशिप, रिवेंज और डिसीट के बीच द रोड टू पावर, ये सब शायद सम अप करता है डिज्नी हॉटस्टार पे सून टू रिलीज सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली को, उसकी स्टोरी के क्रक्स को। लेकिन और क्या एज ऑडियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस सीरीज से, जिसके ट्रेलर ने ही हमें काफी ज्यादा उत्सुकता पैदा करवा दी है बात करने के लिए। वन ऑफ टू ऑफ द लीड कास्ट मेंबर्स, यंग वर्सेटाइल टैलेंटेड लॉट ऑफ एक्टर्स हमारे साथ है, ताहिर राज बसीन एंड अंजुम शर्मा। ढेर सारी बातें इनसे करेंगे, बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू सो मच निधि। गुड टू सी यू वंस अगेन ताहिर। मैं एक्चुअली ये एंड वेलकम अंजुम, आई एम स्पीकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे पहले तो आप ये बताओ कि जैसे मैंने कहा इतनी क्यूरियोसिटी रेज कर दी है एक सीरीज के ट्रेलर ने, विच सो मेनी पीपल आर सेइंग इज इट अ फिल्म, बिकॉज वो वैसा ही लग रहा है। सो एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं ताहिर, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीरीज? एब्सोल्युटली जो आपने कहा, मतलब मुझे भी सबसे ज्यादा फीडबैक इसी बात का आया कि लोगों ने मैसेज किया और पूछा कि ये फिल्म है कि सीरीज है, और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई थिंक हो नहीं सकता, क्योंकि जिस स्केल पर ये सीरीज बनाई गई है, सेट पर बैठे बैठे हमें कभी अंतर नहीं लगा कि हम फिल्म बना रहे हैं कि सीरीज बना रहे हैं। बिलन सर का फोर्टे है एंटरटेनिंग मास, बट येट एक क्लासी और स्टाइलिश सिनेमा बनाना, और वो ही एक दुनिया है जो सुल्तान ऑफ दिल्ली आपके सामने पेश करेगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक यू सेड, अ लॉट ऑफ एक्शन, सम अमेजिंग फ्रेंडशिप बॉन्ड्स, बहुत सारा रोमांस और बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनप्रडिक्टेबिलिटी। आजकल ये मैं देख रही हूँ अंजुम, ये ट्रेंड हो गया है कि जब कोई सीरीज या कोई भी फिल्म आती है उसका ट्रेलर ऐसा होता है कि मेकर्स हो या एक्टर्स हो, जब उनसे बात करें तो बोलते हैं यार ट्रेलर में जो आप देख रहे हो ना सीरीज में और फिल्म में, तो उससे कहीं ज्यादा हमने आपके लिए रखा है। तो ये ट्रेंड बन गया है ना कि मतलब ट्रेलर में उतना ही दिखाओ कि उत्सुकता पैदा हो जाए कि यार अब तो देखना है। एक तरह से ये कहा जा सकता है, लेकिन मतलब इस खासकर इस शो के साथ, क्योंकि इसकी हमेशा से जो हमारी अप्रोच रही थी वो यही थी कि है ये ओटीटी पे, ये आएगा सीरीज के फॉर्म में, लेकिन इसका पूरा जो एक्सपीरियंस होगा वो सिनेमैटिक होगा। जिस तरीके से हमारी जनता लोग सिनेमा से एक तरह से देखते आए हैं उसको, जिस तरह से उसका मनोरंजन, उसका उसका मजा लेते आए हैं, इसका पूरा पैलेट हमेशा से ही ये बात क्लियर थी कि इसका वैसे ही रखेंगे, बस इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। अगर बात करें जो आपने कहा कि कम चीजें दिखाई जाती हैं ट्रेलर में क्योंकि बहुत कुछ छिपा रहे हैं, वो इस सीरीज में सुल्तान ऑफ दिल्ली में बहुत ज्यादा एक हद तक सच कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिलेशनशिप लेयर्स, कई चीजें, लाइक जो जो कहानी शुरू जहां से होती है वो खत्म कहीं और होती है, किरदार की जो जो उनका सफर है वो कहाँ से शुरू होता है, उनके डायनामिक्स चेंज, बहुत कुछ इसमें वाकई हो रहा है। अब चैलेंज आते हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप इन सारी चीजों को पहले तो 2 मिनट के ट्रेलर में दिखाएं कैसे, अब दिखाएं कितना दिखाएं, क्योंकि अगर आप सभी दिखा देंगे तो, और मैं आपको बताऊं क्योंकि हम इस शो का हिस्सा है, ट्रेलर इतना सटीक तरीके से काटा गया है कि एक शॉट, मतलब मैं जब देख रहा था ट्रेलर मुझे लग रहा था कि ये शॉट, अगर यही शॉट अगर दूसरे एंगल से लिया जाता ना तो कुछ रिवील हो जाता, तो और वो स्पॉइलर हो सकता था। तो आई थिंक जो एक पहला जो यू नो पहली फील या पहला जो वो चीज जाना चाहिए था कि ये एक मास एंटरटेनर है, एक क्लासी बहुत खूबसूरती से इमेजेस पेंटिंग की तरह बनाई हुई चीजें हैं जिसमें, और हमारी हमारी पूरी हिस्ट्री रही है कि जैसे कहा जाता है कि अभिनय में या आर्ट में 9 रस होते हैं, है ना, करुणा, रुद्र और ये सारे कई इस तरह के हास्य श्रृंगार के 9 रस होते हैं। तो इस सीरीज में सुल्तान ऑफ दिल्ली में करीब करीब सारे रस, इसमें दोस्ती है, इसमें इमोशन है, इसमें गाने हैं, इसमें म्यूजिक है, इतना बढ़िया, मतलब ये तो सबसे बड़ी चीज है कि अनु मलिक और अमाल मलिक, श्रेया घोषाल जैसे कमाल के अदाकार कलाकार जिनके नाम हम पता नहीं सदियों से सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, वो एक साथ जुड़े, मिलन सर ने उन सबको एक साथ जोड़ा, वो एकदम बीच में कोर्स की तरह थे, सबको एक साथ जोड़ के उन्होंने एक कमाल का एक्सपीरियंस लोगों के लिए बनाया जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये आ रहा है 13 अक्टूबर को आपके सामने सारे एपिसोड्स एक साथ। सारे ये देखो अच्छी पत्थर बात पे है घूम कि घूम फिर सारे के लास्ट एपिसोड लाइन ये बन जाती है।
13 अक्टूबर को ये अच्छी बात है कि सारे एपिसोड एक साथ आ रहे हैं, इसमें मतलब कंजूसी नहीं की गई कि पहले 5 डालो फिर लोगों को कहो थोड़ा अभी और वेट नहीं करो। जी, जैसे कि हम कह रहे थे, ये एक 4 घंटे की फिल्म समझिए आप, जो एपिसोड्स में बांटी गई है, तो इसका एक साथ आना जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे अंजुम ने कहा ना कि 9 रस जितने होते हैं कला के क्षेत्र में, उतने रस हमको यहाँ देखने मिलेंगे। आप दोनों के कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो पहले तो क्या, किस तरह के आपके किरदार हैं और उन किरदारों में कितने रस हमें देखने के लिए मिलेंगे? ताहिर आप बताइए पहले। जिस तरह किरदार है, अगर मैं उसके चरित्र की बात करूं तो इसमें एक रोमांच है, पर एट द सेम टाइम गंभीरता के अंदर एक हल्कापन भी है, एक एक बचपना है इसमें। और आई आई थिंक जो स्पेशल चीज है बंगाली और अर्जुन के रिलेशनशिप के बीच में, कि बंगाली अर्जुन के बचपना को एक रिलीज देता है, वो उसके ही रिफ्लेक्ट्स व्हाट अर्जुन कैनॉट बी, एंड दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट देयर डायनामिक। और ऐसे किरदार बहुत कम आते हैं एक एक्टर के लाइफ में जिसका इतना एक क्लियर आर्क होता है, कि आप देखते हैं कि उसका बचपन कैसे गुजरा, क्या था जो उसके बचपन में उसके पास था जो उससे छीना गया, और वो क्या चीज है जो वो पाना चाहता है, और उस जर्नी में वो किस प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, और उन मुलाकातों ने उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर निकाल दिया। एंड दैट्स व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट दिस। एंड व्हेन एक ऐसा इंसान जो उनसे मिलता है अर्जुन के किरदार से, वो है बंगाली जो अंजुम ने प्ले किया है। एंड इट्स लाइक वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, यिन एंड यांग, उस तरह की है, कि जहाँ जिस दिन अर्जुन अपने दिमाग से सोच रहा है और बहुत फियर्स हो रहा है, उस दिन बंगाली का कैरेक्टर अपने दिल से सोचेगा और उस मोमेंट में एक हल्कापन लाएगा। और कुछ वक्त ऐसे भी हैं जब वो रोल रिवर्स हो जाता है, और वो ही इस रिलेशनशिप की खूबसूरती थी। तो अंजुम, बंगाली के कैरेक्टर से कितना रिलेट आप कर पाए और जो प्रेप थी उसमें कितना आपको एक चैलेंज लगा, इफ एट ऑल? चैलेंज तो ये इस सवाल के 3 हिस्से हैं, तो हाँ मैं एक एक जी करके उनकी उनकी उनका जवाब देता हूँ। ये भी पहली सीरीज के एपिसोड में बांटते हैं ये अपने भी आप हाँ को। पहले जैसे प्रेप, जैसा आपने कहा प्रेप, इस मेरा मेरा ये मानना है कि हर एक्टर का, हर अभिनेता का प्रेप का तरीका अलग होता है, और वो कंटेंट के हिसाब से, शो के हिसाब से, जो उसकी मांग है उस हिसाब से। जैसे इसमें मेरे लिए प्रेप ये था कि मुझे एक बार उसका इमोशनल ग्राफ जो है, वो किस तरह का आदमी है, उसकी सोच क्या है, और वो किसी भी समय काल में किस तरह के डिसीजंस लेता है, वो अगर समझ में आ गया तो मैं फिर क्लियर हूँ उस पूरी जर्नी के लिए। दूसरी चीज, मैंने शायद मैं ही ताहिर और मेरे बीच में, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, सुल्तान ऑफ दिल्ली जिस किताब पे ये शो बेस्ड है, मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं पढ़ने जा रहा था, पहला पन्ना खोला था, लेकिन उसके बाद मेरी मिलन सर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अभी तक तूने अगर नहीं पढ़ी है तो अब तू मत पढ़। बिकॉज फिर जो जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के दायरे में, क्योंकि बंगाली किताब में है और ऑब्वियसली हमने कई चीजें किताब से रखी हैं और कई चीजें नहीं रखी हैं, लेकिन अब जो बंगाली मैं प्ले करूंगा या जिसे मैं निभाऊंगा और मैं दिखूंगा, वो होगा जो स्क्रिप्ट और शो के दायरे में है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है डायरेक्टर क्या चाह रहा है। तो जिस तरह उन्होंने मुझे 3-4 गाइडलाइंस और रेफरेंसेस और ये दिए, तो मेरे सामने एक खाका तैयार हो गया इस किरदार का। उसके बाद जब खासकर जो उनका सबसे बड़ा जो ग्राफ है शो का, दोस्ती, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली एक ऐसा आदमी है जो कि ऑब्वियसली 60 है, 60s में, 60 के दशक में शो बेस्ड है, तो पार्टीशन अभी हुआ ही है, तो उस तरीके की चीज उसका रेफरेंस है, उसका इम्पैक्ट भी है कहानी में, अर्जुन भाटिया के किरदार में, बंगाली के भी किरदार पे होगा। तो उसके अंदर जो उसका कोई दोस्त नहीं है, जब वो मिलता है, जब हम उसको देखते हैं, तो वो अकेला है। पहला इंसान जो वो देखता है अर्जुन भाटिया से, वो मिलता है, उसके अंदर का मुझे लगता है जो खालीपन या कोई एक चीज होगी, वो एकदम रिवर्स साइकी में अर्जुन से रिलेट करने लगता है, जो उसने खोया है वो उससे ह्यूमनाइज और उससे उससे कनेक्ट करने लगता है। एंड देन इंस्टेंटली ही बिकम्स वेरी क्लोज टू अर्जुन, यहाँ तक कि, और वो बहुत ही कमाल का एक खूबसूरत रिश्ता है, कि वो कभी उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, उसको सलाह भी देगा, उसको 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 जो उसको चाहिए उसको वो देने की कोशिश भी करेगा, कभी अगर वो उसने गलती की उसे डांट भी देगा।
तो ये जो एक अलग तरह की लेयर्स होती है ना किसी भी रिश्ते में, खासकर दोस्ती में, कि आप अपने दोस्त को सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये कुछ करेगा और ये कुछ गड़बड़ हो सकती है इसी के लिए, तो आप डांट भी देते हैं, क्योंकि वो भी आप इमोशन में ही कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि उसको कोई नुकसान हो। तो ऐसी बहुत ज्यादा लेयर्स से ये दोनों दोस्त जो हैं वो गुजरते हैं कहानी में, और बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है और बहुत ही यूनिक और मजेदार जर्नी रही। अच्छा, जैसे आप दोनों की बातों से लग रहा है कि जो दोस्ती है एक मेन क्रक्स या मेन एक हम की एलिमेंट कह सकते हैं इस सीरीज का। और कहीं शायद ताहिर आपने ये भी कहा था कि अर्जुन और बंगाली की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं हमें जय वीरू वाला जो एक इमोशन है उसकी याद दिलाएगा, या फिर आपने वैसा फील किया। तो मैं जानना चाहती हूँ, डिड यू बोथ क्लिक इमिडिएटली केमिस्ट्री? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन आपने कमाल की दिखानी है, तो ऑफ स्क्रीन कितनी जल्दी बिल्डअप हो गई? इसका अगर मैं ऑनेस्ट जवाब दूं तो नहीं, क्लिक मतलब, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जो वर्कशॉप वगैरह करते हैं, हमारे पास उस टाइम आई थिंक या तो हमने जब शुरुआत करी थी तो कोविड का माहौल था, तो वो इन पर्सन मिलना इतना हमारा हुआ नहीं। पर इत्तेफाक से जो पहले कुछ सीन थे हमारे जो शूट हुए थे, वो स्क्रिप्ट में भी वही सीन थे जहां पर हम पहली बार मिलते हैं, अंजुम तुझे याद होगा बार वाला सीन, जहां पर वो जो ट्रेलर करेक्ट में भी करेक्ट दिखाया गया है। तो जो फर्स्ट बिल्कुल व्यू, और ये बहुत अगेन ये दिस क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर को जाता है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लानिंग थी कि जो हम पहली बार मिले स्क्रिप्ट में भी हम पहली बार मिल रहे हैं, और फिर वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई। क्योंकि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पर एज टू एक्टर्स आते हैं, इतने एस्टैब्लिश डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जो एक एक्टर फील करता है वो एक दूसरा एक्टर ही समझ पाएगा। जो आपकी एक एक्साइटमेंट रहती है, साथ में एक्साइटमेंट के एक नर्वसनेस रहती है, जब आप एक ऐसा इंटेंस एक्सपीरियंस एक साथ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ बॉन्ड, और ये अनसेड होता है, ये कोई वर्कशॉप आपको दे नहीं सकता। और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद जिस तरह ये शूट का शेड्यूल था, हमने पटियाला में शूट किया किया इसका, अमृतसर में शूट किया, गुजरात में शूट किया, और हर शूट के लोकेशन में ऐसी थी कि हमारे होटल से सेट पहुंचने में 3 घंटे की जर्नी थी। तो एक ऑलमोस्ट अगर मैं इसको आज के लैंग्वेज में कहूं, तो हम एक रोड ट्रिप पर गए थे कुछ महीनों के लिए एक साथ। तो हमारी वर्कशॉप ये थी, ये मोमेंट्स जो हमने बताई कि आप सुबह 5 बजे उठ के निकल रहे हैं ताकि आप 7 बजे तक सेट पर पहुंचे और 9 बजे तक फाइनली शूट कर पाए, ये कोई अगर एंड्योर करे एक साथ, तो वो हमारा बॉन्ड बन गया था। और दोस्ती की सबसे बड़ी प्रूफ जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि वो कहते हैं ना कि गुड फ्रेंड्स आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स कॉन्वर्सेशंस, बट बेस्ट फ्रेंड्स आर कंफर्टेबल इन ईच अदर्स साइलेंसेस। तो हम अगर एक दूसरे से बात, मतलब पूरे दिन भी अगर बात ना करते ना, तो हम इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि मुझे पता है कि अंजुम ऑफेंड नहीं होगा और मैं भी ऑफेंड नहीं होगा। अगर मेरे को पता है ये कुछ सोच रहा है, ये तो स्क्रिप्ट में है या बिजी है या कुछ है, तो जरूरी नहीं था कि रोज हाय ब्रदर हाउ आर यू, ये मतलब इतना जरूरी नहीं था हमारे बीच। अच्छा, बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है अंजुम। एक तो हो गया कि ताहिर के साथ आपकी केमिस्ट्री बिल्ड होना, आप इसका भी मुझे, मैं इन पार्ट्स ही आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। दूसरा इज दैट ऐसा ही नहीं है कि आप ही दोनों हैं इसमें, यू नो देयर इज एन एंसेंबल कास्ट ऑफ अमेजिंग एक्टर्स जिनका काम हमने सराहा है, तो उनके साथ भी काम करना एंड इन टोटैलिटी यू नो एज ऑडियंस हमारे सामने वो बड़ा फ्लूइड सा एक रिलेशनशिप पूरी सीरीज में सबका दिखना, तो उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। पहले एक चीज जो ताहिर कह रहा था, मैं उसको एक, क्योंकि मुझे किस्सा याद आया, जैसे वो बात जो हो रही थी कि कंफर्टेबल इन ईच अदर साइलेंसेस, उसके ऐसे कई किस्से हमारे साथ होते थे कि जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि शॉट जब रेडी हो जाएगा तो हम जाएंगे और सीन शूट करेंगे। अब हम तो यहाँ बैठे हैं शांति से एक दूसरे के साथ, और वहां पे कुछ चीज चल रही है, कुछ कोई काम हो रहा है, कुछ हलचल चल रही है, कोई ऐसी चीज है, और हम आधा एक घंटा जो भी है उसको देख रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन हम दोनों उस एनवायरमेंट से कनेक्टेड हैं, और किसी एक पल में एक दूसरे से कोई कुछ कहेगा कि है ना ये ऐसा, और दूसरा कहेगा हाँ, तो दैट मीन्स हम साइलेंसेज में भी एनवायरमेंट से इतने कनेक्टेड हैं कि हमें एक दूसरे से हाय हेलो, तो आपको क्या लगता है, तुझे क्या लग रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये एक सिलसिला बन गया था रोज का कि हम हमेशा बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन हम एक दूसरे से और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हमेशा रहते हैं। अब जो आप कह रही हैं, जो बाकी एक्टर्स के साथ भी, मतलब इतना कमाल का ऑनसेम्बल मैं कहूंगा कि मिलन सर, नमित जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन सब ने एक कमाल का एक ऑनसॉम्बल, एक पूरा एक ये चीज जो एक साथ वो ले आए, वो बहुत ही कमाल की है। क्योंकि हर किरदार को जब आप देखते हैं तो लगता है कि यही है,
और शायद इसके अलावा कोई हो नहीं सकता था। अगर आप अर्जुन को देखें तो लगता है कि हाँ यार, क्योंकि मेरे हिसाब से कमाल की कास्टिंग ये होती है कि आप एक्टर जो वो टैलेंट है, जो क्राफ्ट है वो लेके आएगा, वो तो एक कमाल की बात है। अगर वो पर्सनालिटी भी आ सकती है, क्योंकि वो इंसान, उसने कुछ जिया होगा, उसके कुछ हाँ अनुभव रहे होंगे, वो सारी चीजें अगर वो उस किरदार में ले आए तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कास्टिंग। तो मुझे लगता है करीब करीब सारे एक्टर्स के साथ इस शो में ये हुआ है, ताहिर हो या मैं हूँ या इवन निशांत है जैसे, तो उनको देख हाँ के लगता उसका है कि जो किरदार वो उसके वैसे ही जीते हैं, वो जिस तरह किरदार है उनका। और मौनी है, मौनी के साथ बहुत ही एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा उसकी, उनकी एक अलग अलग वो एक अलग एनर्जी लेके आती है जब वो सेट पे आती है, जब आप काम कर रहे हो, और बहुत ही कंफर्टेबल कर देती हैं आपको, बहुत स्वीट हैं और एक लाइट एनवायरनमेंट रहता है, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत जल्दी हैं, उनको सीन में एंटर होने के लिए बहुत समय नहीं लगता है बिकॉज शी हैज डन सो मच ऑफ वर्क। तो और कहीं ना कहीं कई एक्टर्स से, मतलब मेरे सबके साथ सीन्स हमारे नहीं थे, हम ही एक दूसरे के साथ, जब कोई एक्टर आता था तो हम ऐसे होते थे कि हम जैसे बाराती हैं और हम स्वागत करते हैं कि आइए आइए आइए, आज घर आपका वाले हैं, सीन है, क्योंकि बारातियों का हम स्वागत तो, कर हमारा रहे आप बारातियों का स्वागत करें, हम तो घर वाले हैं कि हैं। भाई हमारा तो चल ही रहा है, आप आइए आज आपके साथ। राइट राइट लेकिन सबके साथ बहुत ही एक अच्छा, चाहे भले ही ऑन स्क्रीन कोई सीन था या नहीं था, लेकिन एटमोसफेयर सेट पे बहुत ही कंफर्टेबल, फ्रेंडली, नॉन कॉम्पिटिटिव, किसी के साथ ऐसा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, और बस एक ऐसा लगता था परिवार की तरह कि भैया जैसे कुछ दोस्त मिले हैं और बात कर रहे हैं, और हम मिले हैं उसका रीजन ये है क्योंकि हम एक शूट कर रहे हैं शो। तो बहुत ही एक कमाल का एक राइट एंड आई थिंक वही पारिवारिक चीज संबंध। ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट भी हो रही है, जितना भी हमने ट्रेलर देखा, ईगली वेटिंग फॉर द रिलीज एज वेल। लेकिन जाते जाते मैं तो सबको गोली मार रहा हूँ स्क्रिप्ट में, पर ये एक्चुअली मेरे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं थी। पर लाइक अंजुम सेड, लाइक सब एक जब सब इतने प्रोफेशनलिज्म और इतने बैकग्राउंड के साथ आते हैं, चाहे वो मोनी हो या विनय पाठक हो, तो आप भले ही किसी लोकेशन पे 3 दिन के लिए आ रहे हो, पर लाइक वो चेंज ओवर फ्रॉम मोनी टू नैनतारा या विनय टू जगन सेठ, इट वॉज सो इंस्टेंट एंड दैट वॉज द जॉय ऑफ वर्किंग विद एवरीवन। राइट एंड आई थिंक वो जॉय हम ऑन स्क्रीन देखने वाले हैं बहुत जल्द। बट जाते जाते फॉर द बोथ ऑफ यू, अगर एक सेंटेंस में आपको सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑडियंस के लिए सम अप करनी है तो वो क्या होगी ताहिर आपके लिए? एक एक्शन पैक्ड मसालेदार एंटरटेनर। वेरी वेल सेड, मतलब दिस सम्स इट अप रियली वेल कि भाई मैं तो एज ऑडियंस जरूर देखूं। अंजुम क्या ऐड करेंगे? एक ऐसा एंटरटेनर जो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देगा जब आप इस अनुभव से गुजर रहे होंगे कि आप सिर्फ उसे राइट एंजॉय करेंगे। बस यही चाहिए ऑडियंस को, एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट जो हम एंजॉय करें। तो ऑन दैट नोट, विशिंग बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सीरीज और आगे भी जो आप दोनों काम करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू निधि, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, बाय बाय।